Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the class 10th poetry, The Tale of Custard the Dragon. इस poetry को लिखा है Frederic Ogden Nash नाम के एक American poet ने और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी light verse का use किया है. इस poetry को एक ballad form में लिखा गया है. Ballad एक ऐसी poetry होती है जहाँ पे जो characters होते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं और ये story एक heroism के ऊपर एक story है जिसको काफ़ी funny और humorous way में लिखा गया है. अगर हम सारे paragraphs को देखेंगे तो उनका rhyme scheme है AABB. Let us see the first stanza. First stanza में पोएट यहां पे बोलते हैं, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. तो यहां पे देखेंगे काफी राइमिंग सी पोएट्री है और लिटिल वर्ल्ड को बार 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 रिपीट किया गया है. तो ये रिपीटिशन हुआ है. यहाँ पे बोला गया बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि एक छोटे से वाइट घर में रहती है. उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है, एक छोटी सी बिल्ली है, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है और एक रेड कलर का वैगन. वैगन क्या होता है? व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफिक पर्पज, जैसे रेलवे के कैरेज होते हैं, छोटा सा वैगन है. एक छोटा सा उसके पास पेट ड्रैगन भी था जो कि कस्टर्ड जिसका नाम है. यहाँ पे कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं, जैसे द वर्ड लिटिल हैज़ बीन रिपीटेड, रिपीटेशन, ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे पेट ड्रैगन, हाउ कैन अ ड्रैगन बी अ पेट. एनाफोरा यूज़ किया गया है क्योंकि आप लास्ट की लाइंस देखेंगे, थर्ड और फोर्थ लाइन, तो एंड से स्टार्ट होती है. नाउ लेट अस सी द सेकंड स्टैंजा. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड एंड द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. तो यहाँ पे मस्टर्ड जो है येलो कलर का फ्लावर होता है, तो येलो क्योंकि कलर था उसके डॉग का तो उसको मस्टर्ड बोला जाता था और कावर्ड का मतलब होता है डरपोक. किटन का नाम इंक रखा था, ग्रे माउस का नाम उसने ब्लिंक रखा था, येलो डॉग को शार्प एज मस्टर्ड था तो उसका नाम ही मस्टर्ड रख दिया गया. और क्योंकि मस्टर्ड जो होती है सरसों उसके जैसा, तो शार्प एज यूज़ करा है कंपैरेटिवली, तो इट इज़ अ सिमिली जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है. कावर्ड कस्टर्ड यहाँ पे इस लाइन में उन्होंने यहाँ पे एलिट्रेशन को यूज़ किया है. एनाफोरा अगेन बीच की दो लाइन्स में एंड द लिटिल स्टार्टिंग इज द सेम. Let us see the third paragraph. Custard, a dragon, had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and a really truly daggers on his toes. अब यहाँ पे उन्होंने ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े दांत थे, उसके बॉडी के ऊपर स्पाइक्स बने हुए थे, स्पाइक्स होते हैं पॉइंटेड सर्फेसिस, उसकी बॉडी के नीचे जो अंदर का पार्ट था, जो चेस्ट का पार्ट था, उसमें स्केल्स बने हुए थे, लाइन्स बने हुए थे जैसे रेप्टाइल्स के ऊपर होते हैं. उसका जो माउथ था वो एकदम चिमनी एक फायर प्लेस की जैसा था, उसकी नोज एकदम चिमनी के जैसा धुआं छोड़ती थी और उसके जो टोस थे उनमें डैगर्स थे जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. तो यहाँ पे जो कस्टर्ड का कैरेक्टर है वो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है, बट वो कावर्ड है. एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. यहाँ पे बताया गया है कि जो बेलिंडा है वो इतनी ज़्यादा बहादुर थी दैट शी वॉज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. यहाँ पे एज यूज़ करा है तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है. और इंक और ब्लिंक जो है वो लायंस को भी दौड़ा दें स्टेयर से, इतने ज़्यादा बहादुर हैं. मस्टर्ड जो है वो इतना ब्रेव है जितना कि एक टाइगर को जब गुस्सा आता है, रेज में आता है, गुस्से में आता है वैसा. और कस्टर्ड जो था वो रोता रहता था, उसको एक सेफ केज चाहिए थी. तो यहाँ पे जो चीज़ बहुत सटारिकल है वो ये है कि कस्टर्ड को होना चाहिए ब्रेव और बाकी सारे कैरेक्टर्स उससे ज़्यादा ब्रेव दिखाए गए हैं. बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम unmerciful. Ink and Blink and Mustard then rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. यहाँ पे बेलिंडा उसको टिकल करती थी. टिकल करना मतलब क्या होता है? गुदगुदी करना या स्ट्रोक करना, उसको चिढ़ाना, और उसको अनमर्सीफुली बहुत क्रूअल तरीके से उसको ज़्यादा परेशान करती थी. और जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो उसको रूडली गुस्से में आकर उसको पर्सिवल बोलते थे. अब पर्सिवल मीनिंग का मतलब होता है नाइट इन किंग ऑथर्स कोर्ट. ये कहीं ना कहीं एक अलग ही चीज़ का अल्यूजन किया गया है फिगर ऑफ स्पीच की, यहाँ पे कोई और स्टोरी को रिलेट कर दिया गया. और ये सारे के सारे लोग रेड वैगन के अंदर बैठ के उस ड्रैगन का मजाक बनाते थे जो कि कावर्ड था. आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. पोएट ने कई सारी लाइंस को रिपीट करा है. यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो गिगल कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे, और बेलिंडा है वो पूरे घर को हिला रही है. शी शुक में एलिट्रेशन यूज किया गया है और जो ब्लिंक है वो वीक करता है. यहाँ पे ऑनोमोटोपिया का यूज किया गया है साउंड वर्ड्स को बताने के लिए, जैसे गिगल और वीक.
यहाँ पे, और माउस जो है वो भी हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, उसकी एज पूछी जा रही है, और जब कस्टर्ड जो है वो फिर से रो रहा है। कस्टर्ड क्राइड में अगेन एलिट्रेशन यूज किया गया है। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड ब्लिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब पोएटिक लाइसेंस के तहत पोएट ने विंडा बोला है, विच इज एक्चुअली विंडो। तो यहाँ पे बोला गया है सडनली उन्होंने एक नास्टी मतलब होता है गंदा, बैड, अनप्लीजेंट एक साउंड सुना, और मस्टर्ड जो था जो डॉग था वो ग्राउलिंग करने लगा। एनोमोटोपोया का यूज किया गया है, एनोमोटोपिया, जहाँ पे साउंड वर्ड यूज किए गए हैं, और वो लोग आसपास देखने लगे। इतने में जो इंक है वो म्याउच बोलती है, दैट इज बिल्ली का जो साउंड होता है, एंड बिलिंडा ओ क्राई करती है, जैसे उन्होंने देखा कि एक पायरेट जो होता है जो शिप्स को रॉब करता है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो पायरेट आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे पायरेट के आ जाने पे ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब पायरेट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कैटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। यहाँ पे पिस्टल का मतलब होता है छोटी सी हैंड गन, तो यहाँ पे जो पायरेट आता है उसके दोनों हाथों में गन्स हैं, पिस्टल है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, और ही हेल्ड में एलिट्रेशन का यूज किया गया है। उसकी जो बियर्ड थी वो ब्लैक कलर की थी, एक जो पैर था वो लकड़ी का था, और ये समझ में आ रहा था कि पायरेट का कोई इरादा बहुत अच्छा नहीं था। और इसमें अगर इस पैराग्राफ में लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है, बियर्ड वॉज ब्लैक थर्ड लाइन में यूज किया गया, और इमेजरी बनाई है जिसमें appearance of the pirate को clear कर दिया गया कि pirate किस तरीके का दिखता था। Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। वैसे तो ये characters बहुत ज़्यादा brave हुआ करते थे, लेकिन Belinda जो थी वो pale हो गई, उसका चेहरा एकदम yellowish कलर का हो गया, और वो जोर जोर से help के लिए चिल्लाने लग गई। Mustard जो था वो fled हो गया, मतलब वो भाग गया जो dog था, और येल्प मतलब होता है यहाँ पे ऑनोमोटोपिया यूज़ किया, जो उसका साउंड होता है, वो क्राई करके भाग गया। इंक जो था वो ट्रिकल कर गया, वो भाग गया और वो हाउस होल्ड में घुस गया, और जो माउस ब्लिंक था वो माउस होल्ड। अब माउस होल्डेड कोई वर्ड नहीं होता है, बट पोएट ने यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज़ किया, तो उसने माउस के होल को रेफर किया है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए कि सब भाग गए। बट अब जम कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन, विद अ क्लैटर and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो कहीं ना कहीं अपनी ब्रेवरी दिखाता है। स्नॉटिंग का मतलब होता है मेकिंग अ सडन एक्सप्लोजन साउंड थ्रू वन्स नोज, एकदम अचानक से वो आवाज़ करता है, जंप करके आता है, और अपनी जो टेल को है वो आयरन। डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन, जैसे प्रिजन में आवाज़ें होती हैं वैसे वो अपनी टेल को मूव करता है, और यहाँ पे आके लड़ना शुरू करता है उस पायरेट से। जैसे कोई रॉबिन एक जो बर्ड होती है वो वॉर्म के ऊपर अटैक करती है, वैसे ही जो यहाँ पे हमारे कस्टर्ड थे उसने अटैक कर दिया। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे तो सिमिली यूज किया गया है, जहाँ पे बताया गया है द वर्ड लाइक अ रॉबिन, या फिर स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, दोनों में। ऑनोमोटोपिया का यूज़ किया है, कई सारे साउंड वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग। इमेजरी का यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कि वो जो अटैक है वो किस मैनर में हो रहा था। द पायरेट गैप दैट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर टू बुलेट्स बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो पायरेट आया था वो कहीं ना कहीं शॉक में चला गया, वो देख के कि Belinda का जो ड्रैगन है वो कितना ज़्यादा बहादुर है, और उसने ग्रॉग जो ड्रिंक उसके पॉकेट में था, पॉकेट के फ्लैगन जो कंटेनर वो लिया हुआ था उससे निकाल के उसने एक ड्रिंक पिया, उसने दो बुलेट्स मारे जो कि उसको हिट नहीं करे, और कस्टर्ड ने उठा के उसी को खा लिया, कस्टर्ड ने उसको गॉबल कर लिया। तो यहाँ पे कस्टर्ड काफ़ी बहादुर साबित हुआ, और कस्टर्ड की बहादुरी सामने आई। पोएट्री डिवाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे इमेजरी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो कस्टर्ड हैं उन्होंने इस पायरेट को खा लिया। Belinda embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. यहाँ पे Belinda ने उसको एम्ब्रेस किया, उसने कस्टर्ड को हक किया, और यहाँ पे कोई रोया नहीं इस बात को लेकर कि जो पायरेट था, जो विक्टिम था, जो सफरर था वो मर गया। और इंक और ब्लिंक जो ग्ली मतलब होता है डिलाइट, गायरेट करना मतलब होता है राउंड राउंड घूमना, डांस करना, वो डांस करने लगे ड्रैगन के आसपास, और ड्रैगन की बहादुरी साबित हुई यहाँ पे। पोएटिक डिवाइसेस में देखा जाए तो एलिट्रेशन का यूज किया गया है ग्ली डिड गायरेट थर्ड लाइन में। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड,
An up spoke ink and up spoke wing. We have been three times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Flustered का मतलब होता है confused हो जाना. तो यहाँ पे Mustard अब जो dog है वो बोलता है कि मैं तो इससे दुगना बहादुर हूँ अगर मेरा दिमाग ख़राब नहीं होता. और इतने में ink और blink भी बोल पड़ते हैं कि हम तो इससे तीन गुना ज़्यादा बहादुर हैं. Custard कहता है क्योंकि वो काफ़ी modest है कि मैं मानता हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो Custard है वो इतना ब्रेव होने के बाद भी उसको अपने ऊपर घमंड नहीं है. और जो लोग ये बोलते हैं कि वो बहादुर हैं वो एक्चुअली मुसीबत आने पर तो भाग ही गए थे. बिलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. ये पूरा का पूरा paragraph एक repetition है जिसमें बताया गया कि Belinda आज भी वहाँ रहती है. उसके पास एक black kitten है, little grey mouse है, yellow dog है और एक red wagon है और वहाँ पर एक pet उसका dragon भी है. कि Belinda is as brave as a barrel full of beers. Belinda आज भी उतनी ही बहादुर है जितनी बहादुर वो पहले थी. And ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage but Custard keeps trying for a nice safe cage. यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ रिपीट किया गया है. तो यहाँ पे उन्होंने रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है. तो इस पोएट्री के थ्रू हमको एक मीनिंगफुल मैसेज ये मिलता है कि जो एक्चुअली में ब्रेव है उसको अपनी ब्रेवरी का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, ना ही वो रिवॉर्ड लेना चाहता है. बट जो लोग ब्रेव नहीं है वो अपनी ब्रेवरी उसको बार बार साबित करते हैं, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आया हो. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड. थैंक यू.